हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर थ्री एजुकेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट की कुछ शॉर्ट की के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे और एमएस एक्सेल की कुछ शॉर्ट की होती है और एमएस पावर पॉइंट की शॉर्ट की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी प्रोवाइड यू सम एमसीक्यू। हमने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस शॉर्ट की से पूछे जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली की है F2 की। उससे पहले एक चीज़ होती है कि आपको MS Excel पे जो वर्क करते हैं उसका एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने होते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज होती है 1048576, लाइक 1048576 टोटल रो होती है। और कॉलम होते हैं XFD जो रोमन में वहाँ पर मेंशन रहेगा। अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पर एट द लास्ट देखिएगा, वहाँ पर XFD लिखा होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम मतलब 16384 टोटल कॉलम होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, जब आप एक्सेल पे वर्क करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली की है F2 की। F2 की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक सेल है, बिकॉज आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पर्टिकुलर सेल पे रो पे काम करते हैं, तो आप पर्टिकुलर सेल को एडिट करने के लिए, लाइक आपने उसमें कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है, आप उसमें कुछ में एडिट करना चाहते हैं, तो आप F2 की के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा F5 की। F5 की क्या होती है, गो टू स्पेसिफिक सेल। लाइक आपने एक बहुत बड़ी वर्कशीट बनाई है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर F5 के थ्रू पर्टिकुलर सेल पे मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने किया है कि नंबर ऑफ रोज को मेंशन किया हुआ रहता है, उसको मेंशन किया हुआ रहता है 1, 2, 3, 4 में, और ऐसे और कॉलम को किया हुआ रहता है ABCDEFG में, तो आप पर्टिकुलर एक सेल पे जाना चाहते हैं। अगर उसका नाम है कॉलम ई का, कोई कॉलम ई है और रो नंबर 5 पे जाना चाहते हैं, तो आप F5 जैसे ही प्रेस करेंगे वहाँ पर एक बॉक्स आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको किस सेल पे मूव करना है, तो आप E5 प्रेस कीजिए तो आप उस सेल पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा F7। F7 क्या होता है, स्पेल चेक करने के काम आता है। लाइक आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आप F7 के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट की है हमारी F11 की। F11 की से क्या कर सकते हैं, आप MS शीट के अंदर कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये की चार्ट क्रिएट करने में काम आती है। लाइक आप एक बिजनेसमैन है और आपको आपके बॉस को आपके ऑफिस का पूरा आउटपुट देना है कि आपने पूरे मंथ में कितने आपके ऑफिस में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, तो आप उसके F11 की के थ्रू चार्ट क्रिएट करके बता सकते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ, इस डे इतना प्रॉफिट हुआ, इस डे इतना लॉस हुआ, तो वो एक्सेल में F11 की के थ्रू डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि F11 की क्या वर्क करती है, F11 की से आप क्या कर सकते हैं, तो आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो इससे आपका इंटर द करंट टाइम उस सेल में, पर्टिकुलर जो आपने सेल सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ पर आपका टाइम हो जाए, टाइम शो हो जाएगा जिस टाइम पे आप वर्क कर रहे हैं। इसका ये बेनिफिट रहता है कि आपको जैसे टाइम हो रहा है 3 o'clock, आपको वहाँ 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस की के थ्रू अपना करंट टाइम जो हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर सिस्टम वो डायरेक्टली वहाँ पर आ जाता है। और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करने से डेट आ जाती है, जैसे वहाँ पर शिफ्ट किया था तो वहाँ पर टाइम आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करने से करंट डेट आ जाती है, जैसे आज की डेट वहाँ आपके पर्टिकुलर सेल पे डेट मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट की हमारी शिफ्ट के साथ F3, ओपन दी एक्सेल फार्मूला विंडो। इससे क्या होता है कि आप एक फार्मूला विंडो ओपन कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, सम ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, एवरेज परफॉर्म करवाना है, वो सारे आप करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फार्मूला विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पर आपसे जैसे सम परफॉर्म करवाना है तो वहाँ पर आपको ऐसे बॉक्स में दी हुई रहेगी कि आपको परफॉर्म क्या करवाना है, आप सम सिलेक्ट कीजिए और फिर वहाँ पर आपको नंबर मेंशन होगा कि कितने नंबर का सम करवाना है। तो वो एक होता है कि अगर आपको एवरेज भी परफॉर्म करवाना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी F5 की। F5 की के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपने वहाँ पर MS वर्ड में देखा था कि कंट्रोल F से आप फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसकी कुछ की ऐसी है कि बिल्कुल MS वर्ड से मिलती जुलती, जैसे वहाँ पर कंट्रोल A से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि कंट्रोल A से हम पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल B से हम पूरा जो बोल्ड करना चाहते हैं हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या पैराग्राफ को या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल B डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट गोइंग ऑन अ होम की। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल I। कंट्रोल I से हम उसकी इटैलिक स्टाइल चेंज कर सकते हैं
उस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसको हाईलाइटेड जो सेक्शन है उसको इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर पैराग्राफ को या सेक्शन को। अगर कंट्रोल यू हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है पैराग्राफ है वो अंडरलाइन ना हो, तो अगेन कंट्रोल यू प्रेस करके हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं लास्ट सेक्शन को। लाइक हमने कुछ काम किया है और हम उसे वापस चाहते हैं कि वो ना हो, तो हम उसे अंडू करके वापस पुरानी स्टेज पे ला सकते हैं। कंट्रोल F6 से हमारा स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडो। आप जैसे कि एक एक्सेल शीट ले लीजिए, उसमें मल्टीपल शीट्स ओपन है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F6 के थ्रू मूव कर सकते हैं। लाइक रैंडमली 3 शीट ओपन है तो 1, 2, 3 पे मूव करना डायरेक्टली हम कंट्रोल F6 के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारी कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वर्कबुक ओपन है, वर्कशीट जो ओपन है MS Excel में, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और F10 के थ्रू हम उसे मैक्सिमाइज करवा सकते हैं, पर्टिकुलर जो करंट शीट है हम जिस पे काम कर रहे हैं तो वो F10 के थ्रू करवा सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे कि आपके कीबोर्ड में फर्स्ट वाली जो रो थी उसमें एक बटन होता है पेज अप का, यदि आप कंट्रोल के साथ पेज अप करते हैं, यहाँ पर लिखा है मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, और ब्रैकेट में लिखा है बैक। जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लीजिए कि 3 शीट ओपन की हुई है, तो उसमें आप पीछे वाली जो है उस पर मूव करना चाहते हैं। लाइक अभी आप शीट नंबर 2 पे वर्क कर रहे हो और आप 1 पे मूव करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ पेज अप कीजिए, आप शीट 1 पे मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल प्लस पेज डाउन, सेम अगर आप शीट 2 पे वर्क कर रहे हो और आपको 3 पे मूव करना है, तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस कीजिए, उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट वाली शीट पे मूव कर जाएंगे। फिर आता है हमारा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, इसके थ्रू हम कर सकते हैं कि इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबोव सेल इनटू करंट सेल डायरेक्टली। इस की से हम ये समझ सकते हैं कि लाइक आप किसी सेल पे वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऊपर वाले सेल की वैल्यू, जस्ट अबोव उसके ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे वाले सेल में भी सेम एज इट इज़ आ जाए, तो आप वो पूरा टाइप ना करते हुए डायरेक्टली कंट्रोल के साथ ये वाली कॉलम प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे वाले में एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी कंट्रोल प्लस एरो की, इससे क्या होता है कि मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन आप टू टेक्स्ट, लाइक आप किसी भी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करना होगी। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है कि आप पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक आप F नंबर के कॉलम पे हैं और आपको वो पूरा सिलेक्ट करना है, तो आपको माउस के थ्रू स्क्रॉल करके उसे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करने से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट के साथ यदि आप स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि पूरी एक रो सिलेक्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल के साथ कॉलम सिलेक्ट होता है, C4 कंट्रोल और C4 कॉलम, और शिफ्ट से क्या होगा कि हमारी रो सिलेक्ट हो जाएगी, जो पूरी रो है पर्टिकुलर जैसे 10 नंबर की रो है, तो वो पूरी सिलेक्ट कैसे होगी, शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करने से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पावर पॉइंट के कुछ शॉर्ट की है, ये भी MS Word की जैसे ही है। कंट्रोल प्लस N से हम एक नया डॉक्यूमेंट न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। सेकेंड है कंट्रोल प्लस O ओपन सेव डॉक्यूमेंट, लाइक जो डॉक्यूमेंट आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव किया हुआ है उसे ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस O के थ्रू। नेक्स्ट है हमारी कंट्रोल प्लस A सेव द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल S की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल P प्रिंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, उसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल P की का यूज़ करते हैं। और एक फंक्शन की है F1, F1 से क्या करते हैं हम हेल्प मेन्यू में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको होम पेज पे जाकर वहाँ हेल्प सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप F1 प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली मूव कर जाएंगे हेल्प मेन्यू में। नेक्स्ट की है हमारी स्पेल चेकर, F7 से क्या होता है कि हम स्पेल चेक करवा सकते हैं पावर पॉइंट में। लाइक आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो F7 में जाकर आप स्पेल चेकर ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी F5 की, F5 की क्या होती है कि स्लाइड शो, जैसे कि आप पावर पॉइंट में वर्क करते हैं तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है स्लाइड शो, स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग पे ना जाते हुए डायरेक्टली अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप F5 की प्रेस कीजिए, डायरेक्टली स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F12, इससे होता है सेव एज, लाइक किसी भी डॉक्यूमेंट को अदर लोकेशन पे सेव करना है तो हम अदर लोकेशन पे उसमें कुछ चेंजेस किए और अदर नेम से सेव करना है आपको, तो शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने से वो सेव एज हो जाता है, और कंट्रोल के साथ S प्रेस करने से ओनली डॉक्यूमेंट सेव होता है, और अदर लोकेशन पे सेंड करना है तो आप उस शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करना होगा। और एक की और है हमारी ESC होती है एस्केप की, अगर आप स्लाइड शो कर रहे हो और आप उसको एंड करना चाहते हैं तो आप एस्केप की प्रेस कीजिए, उससे होगा हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा।
तो ये थी हमारी कुछ बेसिक की, हमने फर्स्ट वीडियो में एमएस की वर्ड की कुछ की पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एक्सेल की पढ़ ली और पावर पॉइंट की कुछ की पढ़ ली है। तो ये हमारा आज का सेशन था। इसके बाद यहाँ पर कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा अभी कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं की से। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस ऑप्शन की हेल्प से स्पेलिंग मिस्टेक को सही किया जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट, सेकेंड ऑटो टेक्स्ट, थर्ड है ऑटो करेक्ट और फोर्थ है हमारा ऑटो स्पेल। तो क्या होता है कि स्पेलिंग अगर आपको मिस्टेक जो है उसे करेक्ट करना है तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन के थ्रू उस स्पेलिंग को, स्पेलिंग जो मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज आकार सेट रहता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल पी से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वहाँ पर हमें तीन से चार ऑप्शन मिलते हैं। एक तो पेज डिफ़ॉल्ट रहता है, एक होता है नंबर ऑफ कॉपीज़ लाइक आपको उसकी कितनी कॉपी करवानी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ऑप्शन है लेटर, बी है लीगल, सी है A4 और थर्ड है, फोर्थ है हमारा A3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसे कि हमें कौन से पेज पे हमारा आउटपुट चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंट कौन से पेज पे चाहिए। तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं लेटर या फिर A3 तो वो हमें पर्टिकुलर सिलेक्ट करना होता है। अनटिल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में रहता है कि A4, अगर आप उसे सेट नहीं करते तो वो आपका जो प्रिंट होगा वो A4 पेज पे होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कौन सी किस लिए किया जाता है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। री ओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट लाइक आपने पहले जो डॉक्यूमेंट सेव किया था उसे ओपन करने के लिए फिर से। सेकेंड है इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को ऐड करवाने के लिए आप कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग लाइक आप उसमें बुलेट ऐड करना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल ई की का यूज़ करते हैं। या फिर फोर्थ है कि सेंटर अलाइन दी सिलेक्टेड पैराग्राफ या फिर आप उसे अलाइनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सेंटर अलाइन दी सिलेक्टेड पैराग्राफ लाइक अब बिल्कुल उसे सेंटर में लाने के लिए हम कंट्रोल ई की का यूज़ करते हैं। और यदि हमें उसे लेफ्ट में ले जाना होता है तो हम कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे, राइट में ले जाना होता है तो हम कंट्रोल आर का उपयोग करेंगे और बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो हम कंट्रोल ई की का यूज़ करते हैं। मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट की लोकेशन को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। लाइक आपने कोई पहले से डॉक्यूमेंट सेव कर लिया और उसे आपकी आप चाहते हैं कि उसकी लोकेशन आप उसे अदर फाइल या अदर जगह पे प्लेस करें तो आप क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें सेव एज, सेकेंड है सेव, थर्ड है ओपन और फोर्थ है परमिशन। तो इसका सही आंसर होगा सेव एज, बिकॉज सेव जो कमांड होती है हम उसे डॉक्यूमेंट को ओनली सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, न कि उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए। तो ये पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि ये पूछ रहा है कि सेव किए हुए डॉक्यूमेंट की लोकेशन को बदलना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव एज कमांड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग टेक्स्ट को मूव कराने के लिए किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड डिलीट एंड फोर्थ है हमारा पेस्ट एंड कट। तो हम देखते हैं कि कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं हम, लाइक हम डॉक्यूमेंट को कॉपी कर रहे हैं तो वो जो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो तो वही रहता है, लेकिन पेस्ट में क्या होता है हम अदर जगह पेस्ट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट करना क्या होता है कि वहाँ से हम उसको कट कर रहे हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहे हैं। तो और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट एंड डिलीट, पेस्ट एंड डिलीट है एंड फोर्थ है पेस्ट एंड कट। तो पेस्ट करना एक अलग चीज़ होती है और एक चीज़ किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पैराग्राफ को डिलीट करना एक अलग चीज़ होती है और कट करना भी अलग हो गया। तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कट एंड पेस्ट करना। कट एंड पेस्ट से करना लाइक हम उस चीज़ को वहाँ से कट करके कहीं पर मूव करवा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पे ओवर होता है। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप पटवारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस पेपर की नीड है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके प्रैक्टिस पेपर